हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मुझे आप सबको बताना है कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे वीडियोज़ चुरा कर फेसबुक पर डालता है और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आपको इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहना चाहिए, ठीक है? मैं कहीं से भी इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप सबको इस बात से अवेयर कराऊँ। डेफिनेटली मेरे कोई वीडियोस चुरा कर फेसबुक पर डाल रहा है, ठीक है, अपने फेक पेज पर डाल रहा है और लोगों को लूट रहा है, राइट? कोई भी आपको मेरा नाम लेकर लूट रहा है तो मैं कहीं से भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं आप सबको इस बात से अवेयर करा रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए सावधान रहिए, फ्रॉडस्टर्स के ट्रैप से बचिए, ओके? सी, देखिए किस प्रकार के लोग होते हैं, है ना? कितनी ज़्यादा ओछी हरकत, कितनी ज़्यादा नीच प्रवृत्ति लोगों के अंदर होती है, जो दूसरों के मेहनत की चीज़ों को चुरा चुरा कर, लोगों को बेवकूफ़ बना बना कर अपनी जेब भरना चाहते हैं, राइट? देयर कर्मा इज़ गोइंग टू चेज देम। डेफिनेटली उनका कर्मा उनको चेज करने वाला है और ऐसे लोगों को कर्मा फेस करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, ठीक है? उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। मैं तहे दिल से उन सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी और उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी। तो सबसे पहला नेम आ रहा है ललिता जोशी, थैंक यू सो मच ललिता, थैंक्स अ लॉट। अनीशा भूरा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनीशा। आई एम स्पिरिचुअल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। राज बाला मीना, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू। जयश्री माहियावंशी, थैंक यू सो मच। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू आदि। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। संचित सेठी, थैंक यू संचित, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। वी बी मंजेरा, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। ओके, धर्म के हीरे मोती, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। विजय राज लक्ष्मी, वी आर एल 27, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विजय मदान, थैंक यू सो मच विजय मदान जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि वंस अगेन, थैंक यू। 1ZT4Y, आपका नेम इनिशियल आ रहा है यहाँ पे के, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सरवत जहाँ, थैंक यू सो मच सरवत। सिमरन सिंह, थैंक यू सिमरन। राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। सुनीता भाभोर, थैंक यू सो मच सुनीता। मनी लाल, थैंक यू सो मच मनी लाल जी, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू। मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो, ठीक है? आप सब ने जो यूनिवर्स को एक इंडिकेशन दिया है कि आप लैक मेंटालिटी में नहीं हो, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं करते हो, आप गिविंग में बिलीव करते हो, आप दूसरों की पॉकेट भरने में बिलीव करते हो, है ना? और इसीलिए यूनिवर्स आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, ठीक है? अपार धन वर्षा होने वाली है आप पर, और ये मेरी वेलविश है आप सबके लिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये जो डाउनलोड है ये पूरी तरह से श्योर शॉट ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, ठीक है? जो भी ट्विन फ्लेम्स है वो डेफिनेटली अपने जीवन में इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, एंड अगर वो इस चीज़ को अभी फेस नहीं कर रहे तो हो सकता है वो अपकमिंग टाइम में ऐसा कुछ फेस करने वाले हैं, और या फिर वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ठीक है? तो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जिनके पार्टनर को किसी प्रकार का एहसास हो रहा है, ठीक है? उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर ने, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपके प्यार को इग्नोर किया है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, आप अगर मेल हैं ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप फीमेल हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इट्स अबाउट एनर्जी। तो आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस लव फील करते हैं ना आपके लिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए, बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है? तो इस तरह के इमोशंस से, ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके मन में है,
वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है, उनको इस इमोशनल चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो भावनाएं हैं ना इनसे वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज़ वो सही से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना। वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होना पसंद नहीं करते हैं, किसी के सामने बेचारा दिखना उनको पसंद नहीं है, राइट। सो इस वजह से उन्होंने आपसे दूर जाने की हमेशा कोशिश करी है, बेशक आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो तब भी, यू नो, हो सकता है उन्होंने आपसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, आपसे हमेशा किसी ना किसी को कंपेयर करने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन वो हमेशा फेल हुए हैं, लेकिन वो स्थान वो किसी को दे नहीं पाए हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप अनमैच्ड हो, उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ उनको ईश्वर ने बहुत अच्छे से समझा दी है, राइट। और उनको डीप रिग्रेट हो रहा है आपके साथ गलत बर्ताव करने के लिए, उनको यू नो बहुत ज़्यादा गहरा एहसास हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है। हो सकता है उनको अपनी गलतियों को मानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो मुझे लग रहा है उनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिक पर्सन है ये, जो कोई भी है, ये जल्दी अपनी गलती मानते नहीं हैं, राइट। सो इन्होंने, इनको डीपली अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है, इनको डीप विद इन ऐसा फील हो रहा है कि वो गलत हैं और उन्होंने हमेशा आपके साथ अन्याय किया। नो मैटर वो आपके पास आकर उस चीज़ को बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बट उनको डीप विद इन बहुत ज़्यादा गहरा रियलाइजेशन है और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ को अलाइन करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वाकया है ना, ये जो रियलाइजेशन है और चीज़ों को ठीक करने का वापस से जो एक पैटर्न है, ये पहले भी एक दो बार रिपीट हो चुका है ये साइकिल आपकी लाइफ में। हो सकता है आप किसी किसी की लाइफ में एक बार रिपीट हुआ होगा, फिर आपने माफ़ करके फिर अपने पार्टनर के साथ यू नो कंटिन्यू किया, लेकिन यू नो वापस से ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है, वापस से वो सुधरने का वादा करके खुद को एक न्यू एनर्जी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। वापस से वो अपने उसी एडिक्शंस में ट्रैप हो जाते हैं। हो सकता है उनको दूसरों के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, हो सकता है उनको बाकी लोगों से कांटेक्ट में रहने की भी आदत है, ठीक है, वो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को अपने कांटेक्ट में रखना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। हो सकता है उनको बहुत स्ट्रेस फ्री फील होता है, मोनोटोनस फील नहीं होता, बोरियत नहीं होती है, इसलिए वो मन बहलाने के लिए हो सकता है बातें करते हों, बट वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं, ठीक है, उनको पता है कि वो किस हद तक किसी से कांटेक्ट में रह सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि वो रिपीट करते हैं साइकिल्स को, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि आपने हो सकता है उस पैटर्न को ब्रेक करने का निर्णय लिया है, हो सकता है आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है, अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, आप अब कोई चांस नहीं देना चाहते हो अपने पार्टनर को, राइट। सो ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपने खुद की एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है अपने पार्टनर से, अलग कर लिया है अपनी एनर्जी को, ठीक है, आप उनके इस साइकिल में, आप उनके इस पैटर्न में भागीदार नहीं बनना चाहते हो, ठीक है, आपने अपनी शर्त रखी है कि या तो वो पूरी तरह से आपको चूज़ करें और या फिर वो अपने ऑप्शंस को चूज़ करें, ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी लाइफ में जिनसे उन्होंने आपको कंपेयर किया और फिर फेल हुए, ठीक है, आपके जैसी बात उनको कहीं भी नहीं मिली और वो हमेशा इस चीज़ की तलाश में ही लगे रहते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उन्होंने अभी आपके महत्व को नहीं पहचाना था, लेकिन अब वो आपके महत्व को पहचान चुके हैं। और ऐसा सिर्फ आपके ऑब्जेक्शन से नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि स्पिरिट्स का इंटरफेयर हुआ है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज का इंटरफेयर हुआ है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज ने यहाँ पर शिकंजा कसा है आपके पार्टनर के गलत रवैये पर, ओके। आपके पार्टनर को एहसास कराया जा रहा है, डीप विद इन उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो गलत हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर वो गलत हैं भी तो वो इस प्रकार से सोचते हैं कि सो वॉट, मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं इसके लायक नहीं हूँ।
अब तक उनकी जो एनर्जी रही है ना वो अनअपोलोजेटिक रही है। इसीलिए स्पिरिट्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको स्ट्रिक्ट रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा ही अपने पार्टनर की गलतियों को भुलाकर हमेशा उनके साथ एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करते हो। आप हमेशा चाहते हो कि आप दोनों के बीच में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, ठीक है, हैप्पीनेस बरकरार रहे। तो आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति हो, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हमेशा आपकी सोच रही है। बट आपके पार्टनर कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, जो उनको डार्कनेस में घसीट कर ले जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से डार्क एनर्जीज के घेरे में आपके पार्टनर को घेरने की कोशिश करी जाती है। पॉसिबल है कि किसी प्रकार का स्पेल वर्क भी किया गया हो आप दोनों को, अलग करने के लिए, आप दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट ज़्यादातर ये चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो गलत हैं, ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। बट अभी ये चीज़ श्योरिटी के साथ नहीं कही जा सकती कि वो कितने सीरियस हैं। या तो आपको डिवाइन एनर्जीज यही कहना चाहेंगे कि आप तुरंत उनके लिए कोई मन ना बनाएं, ठीक है, कि ऑल ऑफ अ सडन आप उनको माफ़ कर दो या फिर आप पूरी तरह से उनको अपना लो, वापस से उनका वही ड्रामा स्टार्ट हो जाए। नो, जस्ट गिव इट अ टाइम। उसको थोड़ा सा इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आपको समझना होगा और लेट द डिवाइन एनर्जीज टेक ओवर, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज को टेक ओवर करने दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। आप लीड मत करिए, यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज को लीड करना है, यही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर का जो रवैया रहा है ना आपके प्रति, वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है। बट आपने बहुत हद तक चीज़ों को बेयर किया है, ठीक है, उस रिपीटेड साइकिल से, उस पेन से आप काफ़ी सालों तक जूझे हो और अब उस पेन से निकलने का समय आ चुका है, ये आपको डिवाइन एनर्जीज कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि ये जो पेन है ना, ये आपके जीवन से आउट होना चाहिए और मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी आपके या आपके पार्टनर के, दोनों के आसपास अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी मंडरा रही हो ना, तो वो बैकफायर होनी चाहिए, ठीक है, वहीं फेंक दी जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। एंड आप दोनों के बीच से जो कड़वाहट है ना, उसको हटा देना चाहिए, ईश्वर हटा दें उस कड़वाहट को, और आप दोनों एक दूसरे की बातों को ईज़िली समझ पाओ, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को ईज़िली समझ पाओ, आपके पार्टनर आपका महत्व समझ पाएँ, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो ये समझ पाएँ, ओके। एंड आप दोनों के बीच में आने की अगर कोई भी कोशिश कर रहा है ना, उसको बैकफायर किया जाए, ठीक है, वापस उसको उसकी जगह दिखा दी जाए। एंड आप के और आपके पार्टनर के बीच में एक रीयूनियन होना चाहिए, और इस बार एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन होना चाहिए, जस्ट लाइक अर्ध नारेश्वर, शिव शक्ति ऊर्जा की तरह, ओके। या सो देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज लेते हैं, आपके पार्टनर के कुछ मैसेज लेते हैं, देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे, उनकी अभी सिचुएशन कैसी है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ओ, काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं, बट आई टेक ओनली फोर और फाइव, ओके सिक्स, ठीक है, आई टेक सिक्स। देखते हैं आपके पार्टनर अभी क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन बैड मूड, सी। सो जब वो बैड मूड में होते हैं, अच्छे मूड में नहीं होते हैं, तो आप उनको कम्फर्ट करते हो, ठीक है, आपके पास उनको बहुत आराम महसूस होता है, आप उनकी एनर्जी को हील कर देते हो, ठीक है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। या सो वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ आपकी उनको पसंद है और आपके जैसा इंसान वो हर चीज़ हर किसी में ढूंढते रहते हैं, ठीक है, किसी तरह का एडिक्शन है उनको आपके जैसे इंसान को ढूंढना, लेकिन अब उनको डीप विद इन ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके जैसा इंसान उनको कहीं नहीं मिल सकता,
आप सच में यूनिक हैं। ये बात उनको बहुत क्लियरली समझा दी गई है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज ने बहुत स्ट्रांगली उनको ये चीज़ समझाई है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, या सो आपके साथ वो बहुत खुश महसूस करते हैं। हो सकता है वो आपसे ये चीज़ बोलते नहीं हैं, छिपाते हैं, बट वो बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग, या सो जब भी वो कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या यू नो दैट। आपको उनकी हर बात, हर एक्टिविटी पता है। बहुत क्लियरली आप उनके मन की बातों को समझ जाते हैं। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, या सो आपकी आँखें उनको बहुत पसंद हैं, ठीक है। सब कुछ अच्छा है आप दोनों के बीच में, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, या आप उनको ऐसे होल्ड करते हो जैसे कि आप उनको कभी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हो, राइट। सो ये चीज़ उनको पता है। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, सो आपकी नोज़ उनको बहुत पसंद है, ओके। सो ये चीज़ें आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर मुझे लगता है आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको किसी तरह से वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। वो ट्राई कर रहे हैं आपको पटाने का, मनाने का, ठीक है। आप अपना गुस्सा यू नो भूल जाओ, ये चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आप इतनी आसानी से उनको इस बार माफ़ नहीं करोगे। Let's see, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ये भी लेते हैं। बॉटम की एनर्जी, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, या सो आप ग्रेसफुली अपने गॉड गिफ्ट टैलेंट को शोकेस करिए, ठीक है। और आपका जो प्यार है, आपका जो सच्चा प्यार है, वो आपको फॉलो करता हुआ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को, आप अपनी लाइफ पर्पज़ को फॉलो करिए, राइट। जो भी चीज़ें आपके लिए बनी होंगी, जो भी चीज़ें आपके लिए निर्धारित होंगी, वो आप तक अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है, या डेफिनेटली आपको अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। लव डेफिनेटली आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगा, एंड आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आपको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, ओके। You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. So, आपके पास definitely कुछ ज्ञान है जो आपको share करना चाहिए लोगों के साथ, and definitely आपको खुद को रोकना नहीं चाहिए, या आपको लोगों के साथ अपने उस knowledge को share करना चाहिए। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। आपके dreams, आपके visions, आपके जो you know goals हैं, वो पूरे होने वाले हैं, अचीव होने वाले हैं, ठीक है। सत्य में परिवर्तित होने वाले हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपने अपने लिए गोल्स सेट किए थे, वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं, या मैजिक इज मैनिफेस्टिंग। आपके लिए किसी प्रकार का मैजिक होने वाला है, किसी प्रकार का यू नो मैनिफेस्टेशंस आपकी फुलफिल होने वाली हैं। जो कुछ भी आपने मनोकामनाएं मांगी हैं ईश्वर से, वो पूर्ण होने वाली हैं, ओके। Move beyond current challenges. Focus on what you desire. आपको challenges से आगे देखना है, ठीक है। अपने challenges पर ही आपको focus नहीं करना है, आपको आगे देखना है, ठीक है। Future की तरफ देखना है कि आप अपने आप को किस जगह पर, किस स्थान पर देखते हैं, right? आप एक alchemist हैं, और परिस्थिति को परिवर्तित करना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अपने favor में आप परिवर्तित कर लेते हैं परिस्थिति को, राइट। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। आप चाहते क्या हो लाइफ में, आपका फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए, राइट। चैलेंजेस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप चाहते क्या हो, आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, अपनी इच्छाओं पर फोकस करिए।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं पर फोकस कर पाए, ठीक है। लोगों का फोकस अपने चैलेंजेस पर रहता है, अपने कष्टों पर रहता है, अपने दुखों पर रहता है, राइट। लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, पार्ट एंड पार्सल होता है ये चैलेंजेस, ठीक है। नो मैटर आपके पार्टनर ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी या जो कुछ भी रहा, लेट द कर्मा टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। कर्मा विल टेक केयर ऑफ इट पूरी तरह से। आप अपने डिज़ायर्स पर फोकस करिए, आप अपने एम्स पर फोकस करिए, अपने गोल्स पर फोकस करिए, आप क्या अचीव करना चाहते हो, है ना। ये कभी मत भूलिए कि जब इस संसार में आप आए थे ना, तो आप अकेले आए थे, राइट। और आपके सर पर सिर्फ ईश्वर का हाथ था, और आपके साथ कोई नहीं आया था और ना ही कोई आपके साथ जाने वाला है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आए हो, लोगों का भला करने के लिए आए हो इस संसार में। पेड़ पौधे पशु पक्षियों को आपकी आवश्यकता है, जीव जंतुओं को आपकी आवश्यकता है, आप उनकी मदद करिए, सहायता करिए उनकी, ठीक है। तो आपका ये जो जन्म है ना, इसको सार्थक करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर अ पर्सन जो आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अपना समय आप व्यर्थ मत करिए, क्योंकि उसको अपने आप एहसास होगा। या उस व्यक्ति ने अगर आपका महत्व तो नहीं समझा है, आपकी कदर नहीं करी है, तो डेफिनेटली ईश्वर डिवाइन एनर्जीज उसको एहसास कराएंगे, ठीक है। क्योंकि डीपली उसको ये चीज़ अच्छे से समझ आने लग गई है कि आप वन पीस हो, यूनिक हो, ठीक है। आपका कोई रेप्लिका नहीं है, देयर इज नोबडी कैन रेप्लिकेट यू, आपको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, यू आर यूनिक, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। आपके रिलेशनशिप से अपना फोकस हटाकर आप अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल्स पर फोकस करिए, आपको ये कहा जा रहा है, ओके। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, आपके अंदर जो अच्छाई है उस पर विश्वास रखिए, रिलैक्स रहिए। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपका फोकस इस संसार में जो दिव्यता है ना, जो प्रकाश है, उस पर होना चाहिए, लोगों की बुराइयों पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, या किसी भी प्रकार से उन्होंने आपकी कदर नहीं समझी, या कुछ भी, आपका फोकस उस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया, तो हो सकता है उनके लिए कुछ लर्निंग थी, हो सकता है ईश्वर उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली उनको कुछ लर्निंग्स लेनी है, उनको कुछ सीखना है जीवन में, जिससे कि वो सच्चाई के मार्ग पर चल पाएँ, आपका महत्व समझ पाएँ, अपने रिश्ते का महत्व समझ पाएँ, ठीक है। कुछ लर्निंग्स हैं उनके लिए, और वो लर्निंग्स वो ले रहे हैं, और जब वो अपने टेस्ट में पास होंगे, ठीक है, इस कमिटमेंट के टेस्ट में जब वो पास होंगे, अब तक वो फेल होते आए हैं, लेकिन ईश्वर उनको फिर से उस टेस्ट में अपियर करने को बोल रहे हैं। एंड जब भी वो उस कमिटमेंट के टेस्ट में पास होंगे, तभी वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ बिता सकते हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपका जो आभामंडल है, वो आपके पार्टनर से ऊंचा है। आपका आभामंडल ज़्यादा दिव्य है। अभी आपके पार्टनर जो हैं सेम उस लेवल पर नहीं आए हैं, इसी वजह से रिकन्सिलेशन होने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो लो वाइब्रेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है वो डार्क एनर्जीज़ वाले लोगों से कांटेक्ट में हैं बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, उनको उन डार्क एनर्जीज से फ्री होना होगा, आपके लेवल पे आना होगा, तभी आप दोनों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो आपको यही बोला जा रहा है कि आपका फोकस पॉजिटिविटी पर है और दिव्यता पर है, और दिव्य शक्तियों पर ही आपका फोकस होना चाहिए। इस संसार में जो अच्छाई वास करती है लोगों में, उस पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। डेफिनेटली आपको बहुत क्रोध आता होगा जब आपके साथ गलत होता है, बट जो अच्छाई है इस संसार में, ठीक है, उस पर भी आपको फोकस करना है, पॉजिटिविटी पर भी फोकस करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी चिंता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको उन पर बहुत ज़्यादा क्रोध आता होगा, बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़गी होगी आपके मन में उनके लिए,
लेकिन डीप विद इन उनको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते. ओके सी या फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पे, 10 of cups, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट. ठीक है, ये चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, लेकिन वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो. आप चाहते हो एक हैप्पी लाइफ. ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है. ठीक है, पॉसिबल है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही ऐसा चाहते हो. आप फोकस्ड हो अपनी फैमिली पर, अपने वर्क पर या अपने गोल्स को अचीव करने पर, आप पूरी तरह से फोकस्ड हो. आप एक लाइट वर्कर हो, हीलर हो. सी ओके वाओ न्याय बैलेंस आउट. ठीक है, आपके जो स्केल्स हैं ना वो बैलेंस हो रहे हैं. ठीक है, ईश्वर आपके लिए चीज़ें बैलेंस आउट कर रहे हैं. कन्फर्मेशन सुनिए, ये छोटी सी बर्ड कन्फर्म कर रही है. ठीक है, आपके लिए चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं. ठीक है, शनि देव आपको न्याय दे रहे हैं. आपके साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसका खामियाजा, आपके साथ हुए अन्याय की भरपाई करी जा रही है. ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं. ठीक है, सी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे फ्यूचर में, या डेफिनेटली आप कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त है आपको. एंड आपका दिल बहुत उदार है, आपका मन बहुत उदार है, और इसी उदारता का फ़ायदा आपके पार्टनर ने बहुत उठाया है. ठीक है, आपकी उदारता को फॉर ग्रांटेड लिया है. ठीक है, आपने जो बार बार उनको क्षमा किया है ना, बार बार उनको माफ़ किया है. ठीक है, उनकी गलतियों को माफ़ करके आपने उनको एक्सेप्ट करके फिर से वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपका एम ये है ना, आप पूरी तरह से फोकस्ड है एक हैप्पी लाइफ पर. आपका एम पूरी तरह से स्टार्टिंग से निर्धारित है, क्लियर है, लेकिन आपके पार्टनर अपने इमोशंस से बहुत डरते हैं, अपनी भावनाओं से बहुत डरते हैं, किसी के लिए स्ट्रांगली फील करने से वो बहुत डरते हैं, इसीलिए वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए वो आपको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, आपको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बट वो हर बार फेल होते हैं और आकर वापस आपके पास ही रिग्रेट करते हैं और फिर से अपोलोजाइज करते हैं और वापस से वही चीज़ वो रिपीट करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट को फेल कर रहे हैं. इसी वजह से ईश्वर उनको रीअपियर होने के चांसेस दे रहे हैं, बिकॉज वो आपके ट्विन फ्लेम हैं. ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस. सी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो हार्मनी चाहते हैं आपके और यू नो आप दोनों के रिश्ते में, वो हार्मनी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक हैप्पीनेस आनी चाहिए. ठीक है, सद्भाव आना चाहिए, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. बट उनको ये चीज़ समझनी होगी कि जो चीज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. अपने पार्टनर को रिप्लेस करने की कोशिश करना एक अक्षम्य अपराध है. ठीक है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इतने उदार व्यक्तित्व वाले हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हो, इसलिए आप बार बार उनको माफ़ कर देते हो, है ना. आप बार बार भूल जाते हो कि आपके पार्टनर ने आपका बहुत दिल दुखाया है, आप भूल जाते हो कितने उदार हो आप, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी उदारता भी आपके दुख का कारण है ना. लेकिन बट यू कांट हेल्प इट, आप बहुत ज़्यादा उदार हैं, बहुत फॉरगिविंग नेचर है आपका. सी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा लॉस झेला है, लेकिन आप दोनों उस लॉस को ओवरकम करने वाले हो. रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस झेली है, बहुत टफ टाइम झेला है, या नेगेटिविटी. ठीक है, हो सकता है किसी प्रकार के एडिक्शंस हो आपके पार्टनर को, राइट. कुछ एडिक्शंस रहे हैं पास्ट में, आपके अलावा और भी यू नो फ्रेंड्स वगैरह से बात करना, लोगों से बात करना, लोगों को या लोगों से मन या बात करके मन बहलाना, टाइम पास करना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है इनको बहुत पसंद रही हूँ. तो ये जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं ना, इनको त्यागना होगा इनको, राइट. जब आपके पार्टनर इन नेगेटिव लो वाइब्रेशनल चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देंगे ना, तब ही आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है. अदरवाइज ही और शी इज़ नॉट अलाउड इन योर एनर्जी. ठीक है, अदरवाइज आपके पार्टनर आपकी एनर्जी में अलाउड नहीं है.
ठीक है, विद दिस नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी ऊर्जा में, आपके एनर्जी में अलाउड नहीं है. सी, ट्रूथ इज रिवील्ड, सत्य आपको बता दिया गया है, राइट. क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आप दोनों के बीच में, राइट. आप दुखी हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत इन्वेस्ट किए हैं आपने. आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, है ना, अपने इस रिश्ते में, क्योंकि आप शुरू से ही जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता दिव्य है, आप दोनों का रिश्ता डिवाइन है. ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन में हो आप, ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो आप, है ना. तो आप इतने सालों की इन्वेस्टमेंट, इतने सालों की यू नो सी कितना कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, है ना, फिजिकली, हर प्रकार से आप इन्वेस्टेड हो इस रिश्ते में. लेकिन आप दुखी हो क्योंकि आपको उसका यू नो जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था, एक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है, है ना. आपको सत्य बता दिया गया है. थोड़ा सा आपको, आप और आपके पार्टनर को ना क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. जीत आपकी हुई है, डेफिनेटली जीत आपकी हुई है, क्योंकि आप सही राह पर हो, आप सत्य की राह पर हो, आपके मन में पाप नहीं है, इस वजह से जीत आपकी हुई है. सो आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने इस एडिक्शन को पराजित किया है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर. उन्होंने गिव अप कर दिया है जो भी उनको एडिक्शंस थे, किसी के साथ बात करना या किसी के साथ कांटेक्ट में रहना. हो सकता है वो इस प्रकार की चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए त्यागने का मन बना चुके हैं, या क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को बिल्ड करना है, ठीक है, और आपको उदास देख रहे हैं वो. तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने उनको सब कुछ दिया, ठीक है, जिस पर्सन ने उनको हमेशा बहुत सारा प्यार दिया, केयर करी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी, ठीक है, उसी को उन्होंने उदास कर दिया है ना. अपनी फैमिली को ही उन्होंने उदास रखा है. सो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, डीप रियलाइजेशन में है आपके पार्टनर. पॉसिबल है उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का, और इसी वजह से वो अपने इन नेगेटिव पार्ट को ना त्याग रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए. सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि वो इन चीज़ों को हमेशा के लिए त्यागने वाले हैं, या फिर यू नो ये बस एक आपको मनाने का एक स्टंट होगा, है ना. जैसे कि उन्होंने पास्ट में कई बार इस प्रकार की चीज़ें करी हैं आपके साथ, या सी आई एम टेलिंग यू. कुछ स्पेल वर्क भी रहा है, और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, ठीक है. कुछ ऐसे लोग जिनसे छिपकर कम्युनिकेशंस हुए हैं, राइट, हाइड करके कुछ कम्युनिकेशंस किए गए हैं पास्ट में, एंड या सो मुझे अभी दिख रहा है कि ये लोग आपके पार्टनर की लाइफ से आउट हो चुके हैं, ठीक है. ये इस प्रकार की जो भावना आपके पार्टनर के मन में थी, है ना, आपसे छिपकर लोगों से कॉन्टैक्ट करना या बात करना या आपको कंपेयर करना, इस प्रकार की एनर्जी, ये एनर्जी एंड हो चुकी है, ठीक है. ये इस प्रकार के लोगों से जो कॉन्टैक्ट्स थे ना, वो पूरी तरह से एंड हो चुके हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, एंड हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए. दे हैव रीच्ड द डेड एंड, ठीक है, डेड एंड तक पहुंच चुके हैं, या सो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे. ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है. वाओ, पावर कपल, आई एम टेलिंग यू, बॉटम की एनर्जी है ये. सो आप दोनों चाहते हो हैप्पी रहना, बहुत ज़्यादा खुश रहना, और आप दोनों के ऊपर विशेष आशीर्वाद है ईश्वर का, डिवाइन एनर्जीज का विशेष आशीर्वाद है, ठीक है. सो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही थी ना, उनको अंत तक पहुंचा दिया गया है, ठीक है, पूरी तरह से एंड हो चुकी हैं वो चीज़ें. आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे डेड लोग पड़े हुए हैं, राइट. ये वही नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के अंदर थी, ठीक है. वो सारी नकारात्मक ऊर्जा एंड हो चुकी है, उसकी एंडिंग कर दी गई है, या और जो भी नेगेटिव लोग आप दोनों के बीच में आ रहे थे, उनको बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया गया है आप दोनों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए. सो अब आपके पार्टनर पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है.
बट स्टिल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है उनको यू नो एक्सेप्ट कर पाना, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, बट उनकी एनर्जी मुझे इस बार थोड़ी रिलायबल लग रही है, ठीक है। वो काफ़ी सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये सच्चाई की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, तो वो सत्य की राह पर चलना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर अब आपको एक सच्चा कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, या सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। एंड हालांकि आपको अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी ये, जब आप इस चीज़ को होते हुए देखेंगे अपने जीवन में, ठीक है, अपने पार्टनर के अंदर एक परिवर्तन देखेंगे, एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लगता है आप भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे अपने पार्टनर के एक पॉजिटिव बिहेवियर से, उनके अंदर सकारात्मक बदलाव को देखकर आप भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, लेट्स सी। या करेंटली आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उनको क्या एहसास हो रहा है? ओके, वेट इज ओवर। आपके पार्टनर को पता है कि आप भावनात्मक रूप से उनसे दूर हो चुके हो, आपने मन बना लिया है उनसे डिस्टेंस करने का, ठीक है। आप इमोशनली उनसे डिस्टेंस हो चुके हो और इसका जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अभी आप फिलहाल इसी एनर्जी में रहिएगा, एकदम से अपनी खुशी को जाहिर मत करिएगा, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस मत होइएगा, बहुत ज़्यादा एंशियस मत होइएगा, आप इसी तरह से इसी एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से उनको फील करने दीजिए कि आप डेफिनेटली उनसे इमोशनली विदड्रॉ कर चुके हैं, राइट। या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस रहा है सब कुछ, सी बहुत ज़्यादा विध्वंसक रहा है। लेकिन अब ये जो विध्वंसक एनर्जी है ना, ये जो डिजास्ट्रस एनर्जी है, इससे निकलने का समय आ चुका है, ठीक है। इससे उबरने का समय आ चुका है, राइट। द वेट इज़ ओवर। आप बहुत समय से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट कब देंगे। सो आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। वो आपके साथ न्याय करने वाले हैं, ठीक है। वो स्केल्स को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। आपने जो भी अच्छाई उनके साथ करी है, जितना प्यार आपने उनको दिया है, वो प्यार वो आपको लौटाना चाहते हैं, ठीक है। बल्कि मल्टीप्लाई करके वो आपको वो चीज़ लौटाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये उनके इंटेंशंस हैं। वो जानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हैं, वो आपको हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, एक दैवीय ऊर्जा के रूप में आपको देखते हैं। आप अगर मेल हैं तो भी, आप अगर फीमेल हैं तो भी, जो भी ये मैसेज सुन रहा है, आपके पार्टनर आपको एक सच्चे भक्त के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक डिवाइन एनर्जी के रूप में वो आपको देखते हैं, आपके अंदर सच्चाई दिखती है उनको, राइट। और उनको ये पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत साइकिक हैं, आप यू नो चीज़ों को समझ जाते हैं, आपसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। इस वजह से भी वो आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। या सो आपके साथ वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं और एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी। आई नो आई मेस्ड अप, ओ माय गॉड, सी आई एम टेलिंग यू, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने सब कुछ खराब कर लिया है, ठीक है। आपके साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं और इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वो ये चीज़ आपसे बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनको ये पता है। आई नो आई मेस्ड अप। कन्फर्मेशन सुनिए, स्पिरिट्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं। सी आपसे जो कोई भी हेट करता है ना, उल्टा उस व्यक्ति से ही सारे लोग चिढ़ने लगे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे हेट करता है बेवजह, ओके।
आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको आप पर बहुत विश्वास है, या वो आपके साथ गलत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा रहे हैं डीप विद इन, ओके, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ये आपके पार्टनर बोलना चाह रहे हैं आपको, ओके, या पर आपको पिघलना नहीं है, ठीक है। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, सी, सो यहाँ पे स्पेल वर्क भी हुआ है आप दोनों को अलग करने के लिए, यहाँ पे स्पेल वर्क भी किया गया है, ठीक है। मैंने बोला था ना, हो सकता है कोई स्पेल वर्क भी हो, मैंने आपको बताया ना किसी प्रकार का स्पेल वर्क हुआ है जो बैकफायर हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कोई स्पेल वर्क किया गया, लेकिन वो चीज़ बैकफायर हो चुकी है, राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर कर दीजिए सारी नेगेटिविटी को, जो भी स्पेल वर्क है उसको बैकफायर करिए। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, सो आपके हेटर्स को ये चीज़ पता है अच्छे से कि आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, कितने सेफ हैं, ठीक है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस फील हो रही हो सकता है आपके पार्टनर लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस में देख रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, आप दोनों के बीच से हर एक इंटरफेरेंस को हटा दिया गया है। आप दोनों आपस में एक दूसरे को यू नो क्लियरली समझने वाले हो, क्लियरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, और ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज जब तक किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास नहीं होता है ना, वो खुद में परिवर्तन नहीं ला पाता है, उसको पता नहीं होता है कि वो गलत है। लेकिन जब एक व्यक्ति ये रियलाइज़ करने लग जाए कि उससे गलती हुई है, तो इसका मतलब वो परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन से नेगेटिविटी दूर जा चुकी है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन है कि वो गलत हैं, ओके। लिसन टू योर ओन इंट्यूशन, यू नो इट, आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, आपको अच्छे से पता है, हर एक बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, आपके इंट्यूशंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, ओके। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई, सी, सो किसी को ये शिकायत है कोई किसी को मनाने नहीं गया, राइट, आपको ये शिकायत है कि आपको मनाया नहीं गया, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको मना नहीं रहे हो, है ना। पहले तो आप उनको उनके पीछे पीछे भागते थे, लेकिन अब आप उनको मना नहीं रहे हो। योर एनिमीज आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस दैट दे वॉन्टेड फॉर यू, सी, सो आपके जो एनिमीज हैं ना, वो चाहते थे कि आपके जीवन में धन की समस्या बनी रहे, लेकिन अब उनके जीवन में धन की समस्या बनी हुई है, ठीक है। जो जैसा किसी के लिए मनाएगा उसके जीवन में वैसा ही होगा, ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, बहुत क्लियर मैसेज है। सो कर्मा सीजन चल रहा है, ये हर किसी को उसके कर्मों की सजा दी जा रही है, ठीक है। आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी, आपने किसी को इग्नोर कर दिया, सो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने उनको इग्नोर किया। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, CEO हैं, राइट, पॉसिबल है आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, आप अपने खुद के, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम लिसनिंग, ठीक है, आप अपनी मन मर्जी करते हैं। पीपल लव यू द मोस्ट, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आप लोगों के फेवरेट हैं, अपने रिश्तेदारों के फेवरेट हैं, लोग रिलेटिव्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पीपल लव यू अलॉट, ठीक है। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, आपकी तरफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। आप अगर अपने पार्टनर के अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं ना, तो आप चुपचाप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करिए, ठीक है, बाकी सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। वार्म हैंड्स रेकी हीलिंग पावर्स, आपके हैंड्स गर्म रहते हैं, आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हैं, ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। लेट्स सी, ओके,
यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर. या सो आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं. सो आपके पार्टनर आपके साथ ईमानदार रहना चाहते हैं. ठीक है, वो ईमानदारी निभाना चाहते हैं. और पॉसिबल है वो अब ये समझ चुके हैं कि आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, है ना. आपका महत्व समझ चुके हैं वो. आपका जो स्थान है ना वो अनमैच्ड है. ठीक है, आपकी जगह पर किसी को भी नहीं बिठाया जा सकता. ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है. ओके, आई फील लाइक टेकिंग टू मोर. एंजल्स आर टेलिंग मी दो और हैं यहाँ पे. ओके, ये दोनों है. ओके, वाओ. ओके, बॉटम में आया है स्पिरिचुअल अटैक्स. सी, किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं. एंड आपको ये बताया जा रहा है सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू. तो दिव्य ऊर्जा, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है. बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है. बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, गॉडेस आइसिस है ये, इजिप्शियन गॉडेस. ठीक है, इजिप्ट की गॉडेस आइसिस. दैवीय ऊर्जाएं, दैवीय ऊर्जाएं, दैवीय शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं. आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता और आपके साथ गलत करके कोई बचकर निकल नहीं सकता. बहुत क्लियर बात है ये. ठीक है, नाउ हेटर्स हैव नो एक्सेस टू यू. सी, हेटर्स के पास आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं बचा. ठीक है, हो सकता है उनके पास एक रास्ता था लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है. राइट, तो आपको हेटर्स अब रीच नहीं कर सकते, वो आप तक नहीं पहुंच सकते. पूरी तरह से उनको आउट कर दिया गया है, भगा दिया गया है आपकी लाइफ से. और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, आपके जो पार्टनर है, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का. उनको पता है वो गलत हैं एंड उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है. ठीक है, उन्होंने आपके साथ लिटरली ज़्यादती करी है. आपको इग्नोर करना, आपके साथ दुर्व्यवहार करना, आपके साथ अब्यूज़िव होना. ठीक है, हर प्रकार से आपको हर्ट करना. और उसके बाद भी आपने उनको कई बार अपनाया है, कई बार उनको उदारता के साथ प्यार दिया है. तो कहीं ना कहीं उनको डीप रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा गहराई से उनको इस बात का एहसास है. ठीक है, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स. राइट, आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं. ठीक है, वो एडिक्शंस को ओवरकम कर रहे हैं, जो भी गलत आदतें हैं उनको गिव अप कर रहे हैं वो आपके लिए, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि आप अनमैच्ड हैं, आप यूनिक हैं. ओके, सो जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है. ठीक है, कोई मेरे वीडियोस चुरा कर वहाँ पर यूज़ कर रहा है. सो मैं इस पर्सन के अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन ले चुकी हूँ और भी मैं स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाली हूँ इसके अगेंस्ट. लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के फ्रॉडस्टर्स से आपको बचना है, इस तरह के फेक पेजेस से आपको बचना है. द पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी मी. ठीक है, तो आपको इस चीज़ से सावधान रहना है. अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो फेसबुक पेज पर दिखता है, ठीक है, तो उस फेसबुक पेज को आपको डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक फेक पेज है जो मेरे वीडियोस को चुरा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है. ठीक है, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.